नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं संतोष कुमार। बुनियाद केंद्र आपने सुना होगा, साहेब कमाल में एक बहुत बड़ी व्यवस्था, बहुत बड़ा बिल्डिंग इनका बन रहा है, लेकिन जो सुविधाएं हैं मूल रूप से चलते फिरते भी आप देख सकते हैं कि बलिया नगर क्षेत्र से जस्ट बगल अम्बेडकर नगर में मैं हूँ, जहाँ पर इनके कारवां है और घूम रहा है, वृद्धजन है उनको सुविधा मिल रहा है। मैं जानने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या प्रोसेस है मूल रूप से जो बुनियाद केंद्र है वृद्ध जनों के साथ साथ जो दिव्यांग जन हैं। दिव्यांग जनों में बहुत सारी समस्याएं होती है, जो उन लोग अचंभित हैं, वो कहते हैं कि हमारा परसेंटेज कम है। कितना, किस परसेंट के हिसाब से उनको सुविधा मिलना चाहिए, मैं ये जरा जानने की कोशिश कर रहा। आप बता सकते हैं क्या अभी फिलहाल इस गाड़ी में क्या क्या सुविधा उपलब्ध है? यहाँ आई जांच, एयर जांच और फिजियोथेरेपी होता है। एज लिमिट क्या है उनका, जिनके लिए सुविधा दें? वृद्ध आदमी के लिए 60 वर्ष, विधवा 18 से ऊपर की होंगी जो सरकारी शादी का उम्र है, और उसके बाद आपको दिव्यांग जिनका कोई उम्र नहीं, छोटे बच्चे भी रहेंगे उनको भी दिखा जा सकता है। सेवा में मैम है, मैं स्वागत करूं सबसे पहले मैम आपका। क्या इस जो सुविधा है बिहार सरकार के द्वारा, ये कारवां आप एक गांव में, जो लगभग दलित समुदाय का एक गांव है, वहां पर आप आए हैं, तो और क्या प्रोसेस है जो और लोगों तक पहुँचने का, खास करके दिव्यांग लोगों के लिए बताएं कि क्या सुविधा है, उनको क्या क्या लाभ मिलेगा? सबसे पहले तो ये है कि हम लोगों को इसीलिए बुलाया गया है, और हम लोग हर एक गांव में, गांव-गांव जो दूर तक के भी गांव को हम लोग जाके सेवा प्रदान कर रहे हैं, और इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हाँ, आप लोगों के लिए ये सब चीज़ अच्छा है और आप लोग इसमें इन्वॉल्व होइए। आपने स्पेशली बोला दिव्यांग लोगों के लिए, तो दिव्यांग लोगों के लिए हम लोगों को अगर आँख का प्रॉब्लम है, कान का प्रॉब्लम है, या चलने फिरने में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए फिजियोथेरेपी की जाती है, आँख जांच भी होता है, कान जांच भी होता है। साथ में हम लोग उन लोगों को प्रोसेस बताते हैं कि किस प्रोसेस से आपका कार्ड बने, यानी दिव्यांग वाला सर्टिफिकेट बने, और उस सर्टिफिकेट से अगर बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उनको पढ़ाई में भी आरक्षण दिया जाता है। और साथ में ये है कि उन लोगों को 400 रुपया पर मंथ पेंशन, सरकारी पेंशन दिया जाता है। उनको अगर ट्राईसाइकिल का ज़रूरत है तो ट्राईसाइकिल दिलवाया जाता है, बैसाखी का ज़रूरत है तो वो दिलवाया जाता है, इवन कान का मशीन भी ज़रूरत है तो वो दिया जाता है। हम लोग वृद्ध जनों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चश्मा भी वितरण कर रहे हैं करीब 6 महीने से। तो जितना भी पॉसिबल है वो हम लोग प्रदान करते हैं कि हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हम लोग दे सकें। जानकारी का अभाव देखा गया, तो दिव्यांग जन हैं उनके पास मैक्सिमम के पास 45-50% तक का उनके पास कार्ड होता है, और वो सिर्फ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं कि हमें इसका परसेंटेज बढ़ाना है। तो कितने में क्या लाभ मिलता है, जिस वजह से उनको ठोकर ना खाएं, सुविधा मिल जाए? नहीं, ये तो हम लोग नहीं डिसाइड करते हैं, ये कमेटी जो होती है डॉक्टरों की, वो लोग बैठ के डिसाइड करते हैं कि हाँ, किसको कितना परसेंटेज मिलना चाहिए। तो 40% से अधिक वालों को ही बेनिफिट दिया जाता है, क्योंकि हो सकता है सपोज कि किसी का एक आँख खराब है, एक आँख सही है, या दोनों हाथ सही है, दोनों पैर में दिक्कत है, तो इस तरह से उन लोगों का कुछ अपना है ट्रिक, जिसके कारण वो लोग 40% या परसेंटेज देते हैं। और ऐसा नियम बनाए हुए हैं कि 40% से अधिक वालों को ही सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। शारीरिक विकलांगता को दूर करने के लिए फिजियोथेरेपी एक उचित माध्यम है। आपकी गाड़ी में फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है, और दूर दूर तक जाकर के आप फिजियोथेरेपी कर पाते हैं, ऐसा कैसे आपसे कंसल्ट करें, कहां से लोग आपसे जुड़े? सबसे पहले एक तो गाड़ी में हम लोग सुविधा दे के सिर्फ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मेन हम लोगों का सेंटर 5 जगह है, बेगूसराय में 5 सब डिवीजन, 5 जगहों पे हमारा बुनियाद केंद्र है, मटिहानी में, चिड़िया, बरियारपुर, बखड़ी, बलिया, तेघड़ा, तो इन सब जगहों पे। जैसे नज़दीकी में मैं बलिया में है, बलिया में अभी रेंटेड बिल्डिंग में बुनियाद केंद्र है, वो अभी साहेबपुर कमाल ट्रांसफ़र हो जाएगा 1-2-3 महीने बाद। तो हमारे बुनियाद केंद्र यानी पटेल चौक के पास जो हमारा बुनियाद केंद्र है, वहाँ पे हम लोग 10 से 4 ड्यूटी देते हैं, हम लोग वहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारा फिजियोथेरेपी का मशीन, आई डिपार्टमेंट, ईयर डिपार्टमेंट, सारा कुछ का इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए कोई भी वहाँ आ सकते हैं। साहेबपुर कमाल में एक भव्य बिल्डिंग बन रहा है, जिसका मैं प्रत्यक्ष दर्शी हूँ। उसके अलावा आप बलिया में आप इस प्रकार की सुविधा ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ फिजियोथेरेपी का, मुझे लगता है कि जो सुविधाएं उपलब्ध है गाड़ी से प्रचार प्रसार के तौर पर दिया जा रहा है। मैम, क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पे जो विकलांग वृद्ध लोग हैं 60+, जनरली जो उनको ज्वाइंट प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, स्ट्रोक केसेस जो होते हैं, जो पैरालिसिस मारे रहते हैं, जानकारी ऐसे सरकार की तरफ से बहुत सारा योजना चलाया गया है,
बट लोगों को जानकारी के अभाव में उनको नहीं पता है कि ये सब सारी सुविधाएं वहाँ मिलती है। उस कारण ये वैन के थ्रू हम लोग पर मंथ यहाँ पे अलग अलग जगह पे कैंप करवाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बताते हैं, जानकारी देते हैं कि सरकार क्या क्या आपको प्रोवाइड करवा रही है। इस गाड़ी में आपको सारी सुविधा है जो जो हम लोग सेंटर पे देते हैं उसका शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे थोड़ा बहुत दिया जाता है। जैसे कि ये है माता जी, इनको स्ट्रोक लगा हुआ है। क्या लग रहा है, कुछ आराम मिल रहा है आपको अभी? कहाँ, हमारा समाज, गांव समाज वास्तव में अब तक डिजिटल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इस प्रकार के प्रचार प्रसार के अभाव में हमें जानकारी नहीं मिल पाती है। आप संपूर्ण रूप से गाड़ी को देख लें और समझ लें कि हमें लाभ कहां से लेना है। ये बुनियाद केंद्र है, आपको हर जगह सोशल साइट पर आप देख सकते हैं। इसमें हेल्पलाइन का नंबर है जिसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। बहुत सारे शहर हैं जहाँ पर इनका प्रचार प्रसार के लिए या बहुत बड़ी अपनी बिल्डिंग बन चुकी है और ये आपको हर जगह मिल जाएंगे। धन्यवाद आपका।